Good morning, student. BSc second year. Welcome all the student in your online class. हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा अकशेरुकियों की संरचना व कार्य की, या जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टेबल्स। इसकी लास्ट क्लास में हमने प्रॉन में बाह्य कंकाल या प्रॉन में एंड एक्सोस्केलेटन की बात करी थी, और हमने उसकी स्ट्रक्चर ही देखा था कि प्रॉन में किस तरीके से एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। आज की क्लास में हम प्रॉन में एंडोस्केलेटन की बात करेंगे कि किस तरीके से एक्सोस्केलेटन के साथ साथ इनमें क्या पाया जाता है, एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल पाया जाता है। तो इनका जो अंतःकंकाल है वो भी कैसा होगा, काइटिनियस होगा, यानी कि अंतःकंकाल भी एंडोस्केलेटन में किसके फॉर्मेशन में होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सोस्केलेटन के बारे में कंप्लीटली लिखना स्टार्ट करते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे एंडोस्केलेटन। इसी में आगे लिखेंगे द टर्कर ऑफ द टर्का, इट मीन्स कर्कम, द टर्का ऑफ एडजेसेंट द टर्का ऑफ एडजेसेंट each abdominal turgon is connected to its is connected to its connected to its posterior turgon
posterior tergum connected to its posterior tergum by a pair of lateral the hinge joint along the abdominal segment, vertical plate over one another. Posterior tip of abdomen, a large comma shape, which called as telson. ठीक है, ये क्या कंप्लीट होता है? टॉर्मी एक्सोस्केलेटन. नेक्स्ट आता है एंडोस्केलेटन ऑफ प्रॉन. हेडिंग क्या डालेंगे? प्रॉन का अंत है कंकाल. अब देखो, जो प्रॉन का अंत है कंकाल होता है उसमें क्या है कि जो इसका बाह्य कंकाल है वो अंदर की ओर वृद्धि करके क्या बनाता है? स्ट्रक्चर्स बनाता है. तो लिखेंगे इसमें प्रॉन का अंत है कंकाल. यानी कि इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो अंदर की ओर क्या करता है? अतिवृद्धि करता है या एक्सटेंशन करता है. ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, इसमें एक्सोस्केलेटन मिलता है तो एक्सोस्केलेटन के साथ ही ये अंदर की ओर क्या करता है? एक्सटेंशन बनाता है या अतिवृद्धियां बनाता है. तो उस अतिवृद्धि के कंकाल को भी हम क्या कह रहे हैं? एंडोस्केलेटन कहते हैं. और ये जो अतिवृद्धियां हैं ये आपस में क्या कहलाती है? एपोडिम्स कहलाती है. यानी कि
मेन क्राइटेरिया होता है। लिखेंगे इसमें प्रॉन में क्यूटिकल की, प्रॉन में क्यूटिकल की अंतः वृद्धि के कारण, प्रॉन में क्यूटिकल की अंतः वृद्धि के कारण इसी प्रकार
वाई आकृति की संरचना बनाते हैं। जिसकी भीतरी शाखा मध्य फ्रैग्मा, जिसकी भीतरी शाखा मध्य फ्रैग्मा व बाहरी शाखा, भीतरी शाखा मध्य फ्रैग्मा व बाहरी शाखा, बाहरी शाखा परा फ्रैग्मा कहलाती है। परा फ्रैग्मा कहलाती है। तथा इन दोनों शाखाओं पर उदर पेशियां जुड़ी होती है। इन दोनों शाखाओं पर उदर पेशियां जुड़ी होती है। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, प्राण की एंडोस्कल्टन की बात कर रहे हैं। और जो प्राण में एंडोस्कल्टन है वो क्या है, क्यूटिकल की अभिनय प्रक्रिया है। जैसे क्या पाई जा रही है, क्यूटिकल की स्ट्रक्चर पाई जा रही है एक्सोस्कल्टन। तो देखो हमने क्या बात करी कि जो क्यूटिकल की स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। क्या बोलते हैं एक पेट तो कौन सी है, स्टर्नम। दूसरी कौन सी होती है, टर्नम। और दो कौन सी होती है, प्लूरॉन। क्योंकि प्लूरॉन क्या होती है, दो साइड की प्लेट है। एक स्टर्नम वेंट्रल प्लेट है, टर्नम जो है डॉर्सल प्लेट है, और ये कौन सी होती है, प्लूरेट्रल प्लेट होती है। तो ये जो प्लेटें होती है, यानी ये जो काइटिन की स्ट्रक्चर होती है, ये बाहर भी क्या बना रही है, एनवलप बना रही है, और अंदर भी क्या कर रही है, वृद्धि करती है या एक्सटेंशन करती है, और क्या बनाती है, एंडोस्कल्टन बनाती है। तो इसका जो एंडोस्कल्टन होता है या जो एक्सटेंशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपोडिल। क्या कहते हैं इसको, एपोडिल्स कहते हैं। अब इस एपोडिल्स का सबसे ज्यादा जो अभी एपोडिल्स क्या करते हैं, इन एपोडिल्स पर मसल्स के लिए, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, प्रॉन में मसल्स भी पाई जाती है, पेशियां भी पाई जाती है, उन पेशियों को जुड़ने का स्थान ये प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एपोडिल्स क्या करा रही है, अंदर की और एक्सटेंशन करके क्या करा रही है, पेशियों को ज्वाइंट करने का स्पेस प्रोवाइड करवाती है। अब इनमें क्या होता है, ये एपोडिल्स का जो एक्सटेंशन बढ़ता है वो सबसे ज्यादा कहां बढ़ता है, एक तो थर्ड फोर्थ सेगमेंट। अभी थर्ड और फोर्थ सेगमेंट जो होता है, ये सेगमेंट कहां मिलता है, हेड पोर्शन।
जैसे स्टर्नम जो है वो अंदर की ओर स्टर्नम है, ये अंदर की ओर एक्सटेंशन करना है। दो सेगमेंट यानी लिखेंगे द एंडोस्कल्टन ऑफ क्रॉन। द एंडोस्कल्टन द एंडोस्कल्टन ऑफ क्रॉन द एंडोस्कल्टन fuse to
between the sternum and abdomen and abdomen in the form of rows between segment 3 and 4 two large appendages behind fourth segment, behind fourth segment, all segments contain
स्कल्टन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो स्लेंडेड एनिमल